तो मैं बैठा हूँ ईडन गार्डन में मीडिया एक्रेडिशन कार्ड को कलेक्ट करने के लिए। थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने अपने जो ऑथराइजेशन लेटर था उसमें मैंने साइन नहीं किया था। उन्होंने मुझे बैठा के रखा है थोड़ी देर के लिए, बोला है कि बताते हैं, बहुत दिक्कत होने वाली है मुझे अगर ये कार्ड मुझे नहीं मिलता है तो। मैंने ऑलरेडी टिकट बुक करा लिए हैं, मैं यहाँ से चेन्नई जा रहा हूँ कोलकाता से, और उसके बाद वहाँ से मैं बैंगलोर के लिए निकलूँगा। और अगर मुझे IPL के मीडिया एक्रेडिशन कार्ड नहीं मिलेंगे तो मेरा यहाँ दुबई से इंडिया आना वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रे करें कि मुझे मिल जाए और मैं हंसी खुशी सारे मैचेस कवर करूं, आप लोग तक अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ। और सो हम लोग हैं स्वीट मेमोरीज ऑफ ईडन गार्डन के ब्लॉक में, और ये ईडन गार्डन के अंदर है। यू कैन सी लॉट्स ऑफ मेमोरीज, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे। अगर आपको ये पता होगा, ये जगमोहन डालमिया कब से कब थे ये, आप कमेंट करके बताएं। और उसके बाद यहाँ पे जो जो डेब्यूटेंट हैं जिन्होंने ईडन गार्डन में डेब्यू किया है उनके सारे नाम लिखे हुए हैं। 1933 से मुश्ताक अली इंडिया, CS नायडू, आपको कितने नाम आपको पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये पूरे नाम हैं, सबसे लेटेस्ट आपको जो नाम दिखेगा ये रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2013-14 में यहीं पे डेब्यू किया था। व्हाट अ जर्नी ही हैज़ राइट नाउ, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सो मेरा मीडिया कार्ड हो गया है रिजेक्ट, बिकॉज उन्होंने कहा कि डिजिटल मोड से नहीं कर सकते हैं। अगर डिजिटल मोड से नहीं कर सकते हैं तो फिर आपने वो ऑप्शन क्यों दिया था? अगर आपका प्रिंट मीडिया ही सिर्फ है तो मैं प्रिंट मीडिया में भरता, जबकि मेरे वेबसाइट्स हैं, मेरे चैनल्स हैं, फिर मेरा जाना पूरा पूरा बेकार हो जाएगा। लेकिन टिकट्स तो कटा लिए हैं, जाना तो पड़ेगा ही। गाइस आप लोग से उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस को देखोगे, बाहर से ही भले ही फ़ैन के रिएक्शंस लूँगा लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को देखो। और मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं कहाँ पर हूँ, आप देख लो। ये मीडिया एक्रेडिशन सेंटर है, ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है बोलते हुए कि मेरे पास डिजिटल एक्सेस नहीं होगी। तो भाई अगर डिजिटल एक्सेस नहीं होती तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए था वो ऑप्शन, भाई आपको बताना चाहिए था कि आप वो भर नहीं सकते। जस्ट फॉर वन मिस्टेक मेरे मीडिया एक्रेडिशन कार्ड हो गया है रिजेक्ट। लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, आप लोग के भरोसे जा रहा हूँ, सारे मैचेस कवर करूँगा। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरे पूरे वीडियोस देखेंगे और मुझे उतना ही प्यार देंगे। एक वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल।